हमीद ने और एक रन लेने में कामयाब। दो बॉल हो चुके, स्कोर चुका चार। अगर अहमद विकेट लेते हैं तो हाशिम के तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि, हर एक विकेट लेते हैं तो हाशिम के तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि। बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही उमदा शॉट मारा था, लेकिन यहाँ पे फील्डर काफी तेज तरार और इतनी अच्छी फील्डिंग की वहां पे मंसूर ने, और इसी के साथ रनों को रुकाया। चार बॉल पांच रन, अभी भी 100 की दो गेंद आना बाकी। चार बॉल पांच रन, दो गेंदे बाकी अभी भी अहमद की। दो गेंदों में क्या करते हैं, दो गेंदों में अगर एक विकेट लेते हैं तो हाशिम के तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि अहमद को, डॉक्टर हाशिम। हाशिम की पांचवी गेंद और काफी अच्छी गेंद यहां पे, और इसी के साथ विकेट का पतंग यहां पे। एक विकेट ले लिया, 100 रुपए की इनामी राशि लागू हुई अहमद को हाशिम की तरफ से। स्कोर वहीं पर थमा हुआ, पांच रनों पर, पांच बॉल पांच रन, अभी भी 100 की आखिरी गेंद बाकी। अगले बल्लेबाज उतरे हैं, सैफ, सैफ पाउनी। देखते सैफ किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं। ओवरऑल प्लेयर सैफ उतरे हैं और काफी अच्छी गेंद, स्लो गेंद डाली, गति को कम किया, और इसी के साथ ये विकेट जाता हुआ सैफ के रूप में। इसी के साथ रनों को थमाया पांच रनों पर, एक ओवर की समाप्ति, स्कोर चुका है पांच, दो विकेट के नुकसान पर। अहमद को 500 रुपए की इनामी राशि आई है, दो विकेट लिया है उसके लिए 500 इनामी राशि लागू हो गई है हाजी अरफात की तरफ से। हाजी अरफात ने 500 रुपए की इनामी राशि आपको दे दी है, 500 रुपए की इनामी राशि आपके दो विकेट के वजह। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर चुका है पांच रन। अगली ओवर लेके आए हैं सऊद, सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज बिलाल। उठा के खेलना चाहते थे, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, और इसी के साथ एक रन गति के साथ तेज रनों के साथ छुड़ा लिया, और इसी के साथ रनों का इजाफा, स्कोर चुका है 6 रन, एक बॉल 6 रन, अभी 20 ओवर की 5 गेंद आ रहा बाकी। दूसरी गेंद लेके फिर से सऊद अपनी कमान संभालते हुए, बॉलिंग कमान संभालते हुए सामना करेंगे राइटी बल्लेबाज, नए बल्लेबाज मोहम्मद। उठा के खेलना चाहते थे ग्राउंड शॉट के रूप में, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्डिंग वहां पे, लेकिन एक रन छुड़ाने में कामयाब। इस रन, एक रन के साथ स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 7 रन, दो बॉल 7 रन, अभी 20 ओवर की 4 गेंद आना बाकी सऊद की। तीसरी गेंद लेके सऊद तैयार, सामना करेंगे बिलाल, लेफ्टी बल्लेबाज बिलाल। काफी अच्छा खेलते हैं बिलाल, देखते किस तरह का प्रदर्शन दिखाते यहाँ पे बिलाल अपनी टीम के लिए। स्कोरों को वहीं पर रुका हुआ है 7 रनों पर, दो बॉल 7 रन। उठा के खेलना चाहते थे यहाँ पे, कीपर के दस्तानों में कैच था पर मिस किया गेंद, सऊद यहाँ पे नाखुश हुए, और ये कैच मिलता तो विकेट जाता था मेन प्लेयर बिलाल का, मौका मिला था सऊद को पर मिस किया कैच, यहाँ पे कीपर के दस्तानों में कैच नहीं आया, लेकिन रनों का इजाफा 8 रन हो चुके हैं 3 गेंद, अभी 20 ओवर की 3 गेंदे बाकी। 3 गेंदों में किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं सऊद। उठा के खेलना चाहते थे लेकिन बैट का अंदरूनी किनारा लग के एक रन लेने में कामयाब। इस एक रन के साथ मोहम्मद का, मोहम्मद ने अपना खाता खोला और स्कोर हो चुका है 9 रन, 4 बॉल 9 रन, अभी 20 ओवर की 2 गेंदे बाकी। पांचवी गेंद लेके सऊद तैयार, सामना करेंगे बिलाल, बल्लेबाज बिलाल काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, देखते किस तरह से अपने 44 रनों का टारगेट अचीव कर पाते हैं कि नहीं। बॉस 11 के बल्लेबाज बिलाल,
44 रन का टारगेट यहां पे रखा है हाजी अरफात की टीम ने। बहुत ही शानदार शॉट मारा है लेग साइड में ग्राउंड को, ग्राउंड शॉट के रूप में, और एक रन लेने में कामयाब बिलाल यहां पे। बहुत ही अच्छा शॉट खेला है, एक भारी किनारा लगा यहाँ पे, एक रन लेने में कामयाब, काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर हो चुका है 11 रन, दो ओवर के समाप्ति में स्कोर हो चुका है 11, दो ओवर की समाप्ति स्कोर हो चुका है 11। दो ओवर की समाप्ति स्कोर हो चुका है 11। अरे दूर रखता हूँ ग्यारह रन हो चुके हैं। तीसरी ओवर लेके आए हैं अरफात, सामना करेंगे बल्लेबाज मोहम्मद। काफी अच्छा शॉट खेला है वहां पे, मंसूर के हाथों में कैच था पर मिस किया कैच पर, एक रन लेने में कामयाब मोहम्मद, जीवन दान दिया मोहम्मद को यहां पे मंसूर ने। इसी के साथ और एक रन का इजाफा, स्कोर हो चुका है 12 रन, एक बॉल 12 रन। अभी 20 ओवर की 5 गेंदें आना बाकी। उठा के खेलने हुए बिलाल ने, और यहां पे फील्डर मौजूद, उतनी सुंदर कैच वहां पे लॉन्ग के प्लेयर ने लिया है। बारह रन, काफी सुंदर सा कैच लिया वहां पे लॉन्ग की तरफ यंग प्लेयर ने अरफात का, बहुत ही शानदार बॉलिंग। तीन विकेट, दो बॉल हो चुकी, अभी भी 4 गेंदे बाकी। अच्छी गेंद पर काफी दिशा से बाहर गेंद और वाइड के रूप में, और एक रन का इजाफा। इसी के साथ स्कोर हो चुका है 13 रन, दो बॉल 13 रन। बहुत ही अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पे मंसूर की, और एक रन लेने में कामयाब, बहुत ही तेज रन यहां पे बिटवीन द विकेट, और इसी के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर चुका 14 रन। बहुत बहुत शुक्रिया आशिम भाई, आपने इनामी राशि रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहां पे आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रन निकाल लिया यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, एक रन से काम नहीं आएगा क्योंकि 44 रन का टारगेट है। स्कोर हो चुका है 16 रन 16 पांच बॉल, लास्ट बॉल 1 to go। बहुत ही अच्छी गेंद, उतनी अच्छी रनिंग यहाँ पे बिटवीन द विकेट, अंपायर का निर्णय आना बाकी। अंपायर अपना डिसीजन बता दे प्लीज, क्या है डिसीजन अभी का? नो नहीं है, ओके। एक रन लेने में कामयाब, ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 17 रन। तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 17 रन। कितना चाहिए? एक मिनट, 27 रन चाहिए 6 गेंदों में, 27 रन कंपलसरी। बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पे आए कमान संभालने मंसूर, एक्सपीरियंस प्लेयर मंसूर, देखते किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं। 6 गेंदों में 27 रनों का टारगेट अभी भी बाकी है। स्ट्राइक पे मोहम्मद,
और काफी अच्छी गेंद डाली है बैट का अंदरूनी किनारा लग के यहाँ पे एक रन लेने में कामयाब मोहम्मद। स्कोर पहुंच चुका है 18 रन, एक बॉल 18 रन, अभी भी 26 रन जरूरी पांच गेंदों में 26 रन। काफी सुंदर शॉट, उतनी अच्छी कैच वहां पे लॉन्ग की तरफ। प्लीज फील्डर लोग से गुजारिश है, जब बल्लेबाजी कर रहे हैं बॉलिंग डाल रहे हैं तो प्लीज चिल्लाए नहीं, जब बॉलिंग डालने के बाद पहले चिल्ला सकते हैं आप, प्लीज बीच में ना चिल्लाए। फील्डर लोग से गुजारिश है, आप अच्छे से खेल रहे जीत रहे मैच, अहमद आप कप्तान से गुजारिश है कि अपनी टीम को बोल दे कि चिल्लाए नहीं, अच्छा सा टूर्नामेंट हो रहा है। यहाँ पे बल्लेबाज कंफ्यूज होगा, प्लीज अगर आपको चिल्लाना है तो बॉलिंग डालने से पहले चिल्लाए। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 18 रन, दो गेंदे 18 रन, तीन बॉल भी, दो बॉल भी है, चार गेंदों में 26 रनों की जरूरत, चार गेंदों में चार छक्कों की जरूरत। अच्छी गेंद मंसूर की, लेकिन काफी बाहर गेंद डाली थी पैरों के बीच में, पर यहां पे फील्डर प्लेयर बैट्समैन बहुत ही चालाक, डायरेक्ट गेंद मिली थी लेकिन हल्का सा भारी किनारा लग के आप एक रन लेने में कामयाब बल्लेबाज। एक रन के साथ स्कोर हो चुका 19। और यहां पे कैच का मौका था लेकिन साउथ ने मिस किया कैच। वही बोल रहा ना इसका, उसको वही बोला मैं, पैसा दे। 20 रन हो चुके हैं, काफी अच्छी यहां पे बल्लेबाजी और फील्डिंग करते हुए हाजी अरफात की टीम, और इसके साथ दिशा से बाहर गेंद, वाइड गेंद, 22 रन हो चुके हैं। काफी तेज यहां पे मारा था थ्रू, पर बल्लेबाज अपनी लाइन के अंदर थे। एक गेंदों में 23 रनों की जरूरत, 21 रन चाहिए एक गेंदों में 21 रन। बहुत ही शानदार शॉट लेकिन यहां पे थोड़े से फिसले हैं मंसूर भाई, और इसी के साथ ये मैच हाजी अरफात की टीम ने जीत लिया। और अभी की मैन ऑफ द मैच ये टीम की अहमद है। चल चल अंदर चल अहमद, इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं और जो कि प्राइज मनी भी जीत चुके हैं, आप लोग सभी गेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मुस्कुराते हुए उनके चेहरों पे मुस्कान। मैं गुजारिश करूंगा अहमद से, गुजारिश करूंगा प्लीज टॉस के बॉक्स पे आ जाए। ये जो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और जो कि इनामी राशि जीती थी 200 रुपया और 500 रुपया दो विकेट लेने पर हाजी अरफात के तरफ से, और 200 रुपया हाशिम के तरफ से जो कि जा चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया जो उन्होंने यहाँ पे इनामी राशि लगाई। अहमद ये 200 रुपए है जो आशिम के तरफ से और 500 रुपए उनके ओनर के तरफ से हाजी अरफात के तरफ से, और मैं चाहूंगा कि अहमद कुछ सवालों का जवाब दे प्लीज। अहमद ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े से शर्माए यहाँ पे हमारे अहमद।
काफी शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हमारे फरहान भाई ने, हम उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया कहते हैं और उनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे फरहान भाई से, लेकिन फरहान भाई भी शर्मा रहे हैं बहुत। कोई बात नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजर है फरहान भाई, जो कि UMPL सीजन 1 से लेके अभी 3 चल रहा है, काफी शानदार टूर्नामेंट कराने में कामयाबी हासिल की है यहाँ पे फरहान ने, और उनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, कहते हैं पूरी सारी टीम और सारे ओनर्स के तरफ से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में माहिर और उनके भाई का भी यहाँ पे, उनकी कमिटी मेंबर्स, जितने भी कमिटी मेंबर्स हैं उनका भाई, छोटा भाई रेहान, उनका भी बहुत मेहनत है इस टूर्नामेंट में पूरा कामयाब करने में, टूर्नामेंट कामयाब करने में रेहान, और जो कि अंपायर्स भी हैं यहाँ पे जो कि मेहनत कर रहे हैं, जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा शाहरुख है, रेहाब है, जावेद है, इन सभी का भी यहाँ पे योगदान है और जीशान का भी योगदान है, जीशान भी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए, वो भी एक हमारे टीम के और हमारे कमिटी के मेंबर्स है, ऑर्गेनाइजर है हमारे जीशान, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं मैं। अभी का जो मैच होने वाला है बॉस 11 वर्सेस एसके 11 के बीच ये मैच, और इसी के साथ फैज जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर साबित हुए थे, और काफी शानदार शॉट बिलाल का ग्राउंड शॉट के रूप में, लेकिन एक रन लेने में कामयाब, इस एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, एक बॉल एक रन, और सामना करेंगे अभी नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज आए हैं स्ट्राइक पर सैफ पाउने, जो कि बहुत ही बड़े हार्ड हिटर बल्लेबाज ओवरम के कहा जाता है सैफ पाउने, जिनका नाम बहुत ही रोशन है, और उठा के खेलना चाहते थे ऑफ साइड की तरफ, एक रन लेने में कामयाब सैफ, अभी बॉक्स में भी अपना नाम बनाने के लिए आए हैं सैफ, देखते किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और अपना नाम बनाते हैं। स्ट्राइक पे है बिलाल, दो बॉल हो चुकी है, स्कोर चुका है 2 रन, उठा के खेलने काफी तेज करार 6 रन, काफी तेज शॉट मारा था यहाँ पे, कोई फील्डर यहाँ पे उस चीज को पकड़ नहीं सकता, और इसके साथ 6 रन के साथ स्कोर हो चुका है 8 रन, 3 बॉल 8 रन। फिर से उठा के करना चाहते थे लेकिन यहाँ पे चुके, यहाँ पे क्या चकमा दिया फैज ने और इसी के साथ विकेट लिया, बहुत ही अच्छी कीपिंग यहाँ पे की है कीपर ने। और मैं गुजारिश करूंगा अगर कोई भी टीम अगर यहाँ पे हंगरी टमी के पास जाता है खाने के लिए रेस्टोरेंट, हंगरी टमी रेस्टोरेंट, तो उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा, जो भी यहाँ पे जो भी टीम है जो भी ओनर्स है अगर वहां जाना चाहे तो जा सकते हैं हंगरी टमी, तो वहां पे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और अंपायर का इशारा आता हुआ नो गेन के साथ, और एक रन का इजाफा, 9 रन हो चुके हैं, 4 बॉल 9 रन, हमीद स्ट्राइक पे मौजूद, काफी अच्छी बल्लेबाजी का कमान संभालते हुए दोनों बल्लेबाज हमीद और सैफ, अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद डाली फैज, काफी कंफ्यूज करते हुए बल्लेबाज को मौका ना दे रहे कि वो मार सके छे, एसके 11 काफी 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 मेहर निर्भर वहां पे फैज के ऊपर के फैज ये हमारा जो बॉलर है जो इस रन को रुकाएगा। और ये आता हुआ अंपायर का इशारा, एक और गेंद, 9 बॉल, अगर ये एक्स्ट्रा ना डाले तो सबसे अच्छे बॉलर कहा जाएगा फैज, 10 रन हो चुके हैं, 5 बॉल 10 रन हो चुके हैं, अगर ये 9 नहीं देते तो काफी कम रनों पे ये रखते थे स्कोर, उठा के खेलना चाहते थे लेकिन लेग साइड की तरफ ग्राउंड शॉट के साथ 1 रन छुड़ाने में कामयाब, स्कोर हो चुका है 11 रन, 1 ओवर की समाप्ति पर। Yeah.
फरहान किधर है? फरहान, फरहान काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे एसके 11 रनों को रुकाया, 11 रनों पे रखा ये पहला ओवर। दूसरी ओवर काफी करार गेंद, काफी अच्छी गेंद थी पर यहाँ पे बीट नहीं कर पाए हमीद को। 12 रन पहली गेंद वाइड और काफी गेंद अच्छी और उतनी अच्छी कैच वहां पे लॉन्ग पे खड़ी है, पकड़ी है वहां पे सरफू जिन्हें कहा जाता है, बहुत ही अच्छी फील्डर कहा जाता है, बहुत ही अच्छे फील्डर है, बहुत ही अच्छी कैच पकड़ी वहां पे सरफू ने और इसके साथ विकेट का पतंग जाता हुआ हमीद के रूप में रनों को रुकाया 12 रनों पर एक बॉल, एक बॉल 12 रन यहां पे रफीक की। और 5 गेंद आना बाकी है, दूसरी गेंद लेकर रफीक अपनी बॉलिंग का मान संभालते हुए देखते अगले बल्लेबाज आए हैं मोहम्मद। अंपायर अपना निर्णय बताए, एक मिनट आनीस प्लीज, अंपायर बताएंगे डिसीजन, अंपायर डिसीजन बताएंगे, एक मिनट आप बोले नहीं, कोई भी प्लेयर ना बोले वहां पे बताएंगे, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, जो डिसीजन देंगे वो चेक करके देंगे। एक मिनट अनीस, बासित बासित एक मिनट प्लीज। प्लीज अगर कोई भी प्लेयर अंदर जाते हैं तो पेनल्टी दी जाएगी, हाँ प्लीज जो भी डिसीजन होगा अंतिम होगा, फाइनल होगा डिसीजन। प्लीज डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, अंपायर ने डिसीजन दिया है, वनडी नहीं है। बीट गेंद तो हाथ 12 रनों पर रुकाया है ये स्कोर, 2 बॉल 12 रन। तीसरी गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज मोहम्मद और उठा के खेल रहे हैं वहां पे, काफी शानदार शॉट 4 रनों के लिए मोहम्मद के बल्ले से निकला। स्कोर हो चुका है स्कोर बोर्ड पे 16 रन 3 बॉल, अभी भी स्कोर की 3 गेंदें बाकी। चौथी गेंद लेके तैयार रफीक, सामना करेंगे बल्लेबाज, बहुत ही अच्छी गेंद, गति को कम किया और बीट करा, गेंद टर्न किया, गेंद ऑफ टर्न करके यहाँ पे बीट करा, गेंद स्कोर को ही रुकाया 16 रन 4 बॉल, अभी भी स्कोर की 2 गेंदें बाकी। पांचवी गेंद लेके तैयार और काफी सुंदर शॉट, यहाँ पे अच्छा शॉट खेला था पर लेकिन कामयाब, 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर हो चुका 16। अंपायर का इशारा आता हुआ नो, इस नो गेंद के साथ स्कोर में और एक इजाफा आता हुआ 17 रन और अभी का रन। काफी सुंदर कैच पकड़ी है समद ने वहां पे सेंटर में और इसी के साथ विकेट का पतंग यहाँ पे जाता हुआ मोहम्मद के रूप में। अभी भी सैफ इस का कमान संभालते हुए अपनी टीम का भार अपने उनके कंधों पर, देखते किस तरह की बल्लेबाजी करते यहाँ पे सैफ पाउने। स्कोर हो चुका है 17, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 17 रन बॉस 11 के। अभी भी एक नामी बल्लेबाज सैफ पाउने अभी भी स्ट्राइक पे मौजूद, उनको स्ट्राइक देके
प्लीज जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले शाहरुख प्लीज, अगर फील्डिंग नहीं सजेगी तो पेनल्टी दी जाएगी। रेहान आपकी टीम से प्लीज दरखास्त है कि फील्डिंग सजा लेने तो फिर पेनल्टी दी जाएगी। जल्द से जल्द मैच को शुरू करें प्लीज। शाहरुख अंपायर से गुजारिश है मैच को शुरू करें। बल्लेबाज अपनी कमान संभाल ले प्लीज। राइटी बल्लेबाज उतरे हैं मुशीर। सरफू के हर विकेट पे 200 रुपए की नामी राशि अकबर भाई एसके की तरफ से, हर विकेट पे 200 रुपए की नामी राशि सरफू को। पहली गेंद काफी अच्छी गेंद, वीट करा गेंद यहां पे सरफू, स्कोर को वहीं पर रुकाया। एक मिनट अभी की क्या है, वाइट है, डॉट बॉल है। हाँ डॉट बॉल। बहुत अच्छी गेंद, उतनी अच्छी कैच, पहली विकेट ली और 200 रुपए जीत गए। और बाकी है, हर विकेट पे मिलेगा और कम से कम और चार गेंदें बाकी है। चार गेंदों में अगर चार विकेट लेते और 200 रुपए की इनामी राशि। स्कोर हो चुका है 17 रन, दो बॉल 17 रन, 200 रुपए की इनामी राशि जीत चुके। और एक गेंद डाली थी काफी कड़क गेंद, यहां पे बीट करा गेंद यहां पे शरफू ने। हर गेंद पे अकबर भाई एसके प्लीज, अकबर भाई आप ऊपर बैठ जाए प्लीज, आपसे दरखास्त है कि हमारे स्टेज की थोड़ी शान बढ़ाए आप। बाहर गेंद और वाइड के साथ और एक रन का इजाफा, स्कोर हो चुका है 18 रन, तीन बॉल 18 रन। हर छक्के पे 100 रुपए की इनामी राशि अहमद के तरफ से, हर छक्के पे 100 रुपए की इनामी राशि उनके छोटे भाई को, और हर विकेट पे 200 रुपए की इनामी राशि अकबर भाई एसके के तरफ से। चार बॉल हो चुकी है और उठा के खेल लिया है लेकिन 4 रन, इस 4 रन के साथ 4 रन पे कुछ मिलेगा क्या। स्कोर हो चुका है 22 रन। पांच बॉल हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 22। बाहर गेंद डालते हुए यहां पे दिशा से भटकते हुए सरफू, फिर से एक और वाइट दिशा से भटकते हुए यहां पे सरफू, दो वाइट कंटिन्यू डाली है और रनों को बढ़ा है 24 रनों पर। आखिरी गेंद सरफू की और इसी के साथ ये विकेट मिला सरफू को, दो विकेट मिल चुके हैं, मतलब 400 रुपए की इनामी राशि पक्की सरफू को अकबर भाई एसके की तरफ से। 24 रन हो चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति पर, 24 रन, 400 रुपए की इनामी राशि पक्की सरफू को अकबर भाई एसके की तरफ से। आवाज नहीं आ रही हाजी अरफात, और इसके बाद का जो मैच होगा हाजी अरफात वर्सेस अरेबियन के बीच, प्लीज अपने कैप्टन को इसके बाद। काफी रोमांचक मैच होता हुआ ये आखिरी ओवर लेके आए आरिफ।
स्कोर हो चुका है 24 रन तीन ओवर की समाप्ति। सैफ अभी भी स्ट्राइक पे मौजूद, अभी बल्लेबाज यहाँ पे मौका मिला है उनको, देखते क्या करते, क्या प्रदर्शन। और यहाँ पे मौका मिला था लेकिन हल्का सा बैट का अंदरूनी किनारा लग के ऑफ साइड की तरफ एक रन लेने में कामयाब। स्कोर हो चुका है 25 रन। एक बॉल 25 रन, अभी 20 ओवर की 5 गेंदे बाकी, देखते क्या करते लेफ्टी बल्लेबाज। और उठा के खेलने वहां पे फील्डर मौजूद, उतनी सुंदर कैच सरफू की, सरफू के ये कैच पे 100 रुपए की इनामी राशि अकबर भाई एसके की तरफ से। काफी सुंदर कैच लेने की वजह से आपको 100 रुपए की इनामी राशि अकबर भाई एसके की तरफ से। टोटल अभी 500 रुपए हो गया अभी आपके। स्कोर को वहीं रुकाया 25 रन ऊपर। आरिफ काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग रफीक की, पीछे लॉन्ग के तरफ मौका नहीं दिया यहाँ पे। तीन बॉल हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 26 रन। काफी भार गेंद, अंपायर का इशारा था वो वाइट। अभी 27 रन हो चुके, 27 रन। और एक गेंद वाइट दिशा से भटकते हुए, दो गेंद कंटिन्यू वाइट डालते हुए आरिफ यहां पे। स्कोर चुका 28, तीन बॉल 28 रन। अभी 20 ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। और इसी के साथ अंपायर का इशारा आता हुआ रन आउट, सैफ का विकेट जाता हुआ। काफी ओपनिंग से उतरे थे यहाँ पे सैफ और रवि, उनका विकेट जाता हुआ, काफी महंगे साबित हुए यहाँ पे सैफ। स्टीवॉक और माकवॉक की जोड़ी उतरी है, दोनों ही भाई एक ही साथ उतरे हैं, बल्लेबाज वासित और उनका छोटा भाई ओवेज, दोनों ही भाई साथ में उतरे हैं। देखते किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं यहाँ पे अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने के लिए। 4 बॉल 28 है ना, 20 ओवर की 2 गेंदे बाकी। और उठा के खेले यहाँ पे फील्डर फिर से मौजूद, और इसी के साथ और एक विकेट का पतंग। दिखता ही नहीं कोई आउट हुआ के नहीं, बैठ के रहना बे ये अनीस, अनीस अट्ठाईस रन हो चुके हैं। आखिरी गेंद यहाँ पे आरिफ की, और मौका मिला था लेकिन यहाँ पे रनिंग काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन लेने में कामयाब। स्कोर हो चुका है 30 रन, अगर ये मैच जीतना है तो 31 रन कंपलसरी। बॉस 11 ने टारगेट रखा है 31 रन कंपलसरी एसके 11 को, अगर मैच जीतना है तो। अकबर भाई मैच के बाद जो कि काफी अच्छी बॉलिंग और उतनी अच्छी फील्डिंग करके सरफों ने 500 रुपए की इनामी राशि जीत चुकी है। अकबर भाई एसके की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना योगदान दिया। अरेबियन स्पाइसेस ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने नहीं, इसके बाद का मैच होगा हाजी अरफात वर्सेस अरेबियन नाइट्स, और अरेबियन नाइट्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने नहीं लिया। 31 ये जो टारगेट रखा है बॉस 11 ने 31 रन का टारगेट।
और यहाँ पे इनामी राशि आती हुई दोनों ही बल्लेबाज रफीक या सरफू हर छक्के पे 100 रुपए की इनामी राशि अकबर भाई एसके की तरफ से, जितने छक्के मारेंगे उतने इनामी राशि 100 रुपए की इनामी राशि अकबर भाई एसके की तरफ से रफीक और सरफू दोनों ही बल्लेबाज को। समद को भी 100 रुपए की इनामी राशि हर छक्के पे, सरफू नहीं उतरे लेकिन समद ने उनकी जगह संभाली और हर छक्के पे 100 रुपए की इनामी राशि। समद या रफीक अगर मारते हैं 6 तो 100 रुपए की इनामी राशि के हकदार होंगे। पहले ओवर सामना करेंगे रफीक, पहली गेंद उतना अच्छा शॉट मारा रफीक ने ग्राउंड शॉट में, लेकिन अच्छा फील्डिंग वहां पे दिखाया है बॉलर ने, इसी के साथ एक रन लेने में कामयाब, तेज रनअप के साथ एक रन से संतुष्ट। इस एक रन के साथ स्कोर पे एक रन का इजाफा, एक बॉल एक रन। दूसरी गेंद लेके तैयार, काफी दिशा से बाहर गेंद डालते हुए बॉलर, और इसी के साथ एक रन का और इजाफा, स्कोर हो चुका है एक बॉल दो रन। समद बहुत अच्छी गेंद, उतना ही भारी किनारा लग के वनडी के रूप में एक रन मिलेगा। दोनों ही बल्लेबाज अगर 6 मारते हैं तो अकबर भाई एसके के तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि। 3 रन हो चुका है, 2 बॉल 3 रन, और काफी सुंदर शॉट मारा है ग्राउंड शॉट के साथ, एक रन लेने में कामयाब समझ, यहाँ पे रन को बढ़ाया, स्कोर हो चुका है 4 रन। काफी सुंदर शॉट, 6 रन रफीक का, और इनामी राशि हासिल करते हुए 100 रुपया, हर छक्के पे 100 रुपया है, जितने छक्के मारेंगे उतना 100 रुपए की इनामी राशि। काउंट कर लो कितने 6 मारे, हैट्रिक 6 मारेंगे तो 2000 रुपए की इनामी राशि अकबर भाई एसके की तरफ से। और यहां पे हैट्रिक का मौका जाता हुआ, 5 बॉल हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 10 रन। वाइट गेंद, दिशा से भटकते हुए गेंद, आखिरी गेंद पर भी वाइट, स्कोर हो चुका है 11, 5 बॉल 11 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी आखिरी गेंद पे की है और विकेट लिया है काफी मेन प्लेयर रफीक का। इसी के साथ पवेलियन लौटते हुए स्कोर को वहीं रुका है 11 रन, एक ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 11 रन हो चुका है 11। सरफू अगर 6 मारते हैं हर 6 पे 100 रुपए की इनामी राशि अकबर भाई एसके की तरफ से। समद आपको भी सेम है, एक ऑलरेडी 100 रुपए जीत चुके हैं रफीक, देखते हैं और कितने पैसे जुटा पाते हैं यहाँ पे बाकी भी प्लेयर, बाकी एसके 11 के प्लेयर्स। और ये पहली गेंद पे समद ने दिया है 6 रन हमीद के, 6 रन के साथ स्कोर को बढ़ाया, स्कोर हो चुका है 17 रन, और 1 रन लेने में कामयाब, 100 रुपए की इनामी राशि जीत चुके यहां पे समद। आप देखते हैं शाह सरफू किस तरह से अपनी इनामी राशि जीतने में कामयाब होते हैं कि नहीं। कितना हुआ? 3 बॉल हो चुके, स्कोर हो चुका है 18 रन। और यहाँ पे मौका मिला था लेकिन काफी तेज रनिंग यहाँ पे सरफू की, अंपायर का इशारा था और नो गेन के साथ +1, स्कोर हो चुका है 20। और यहाँ पे एक और 6 मारा है समद ने, काफी शानदार शॉट,
बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे हमीन ने फिर से और रनों की यहाँ पे काफी तेज रन किया यहाँ पे 22 के रूप में एक रन का और इजाफा स्कोर हो चुका है स्कोर बोर्ड पे। पांच बॉल हो चुके, वन टू गो, 27 रन, पांच बॉल, चार रनों की जरूरत और यहां पे उठा के खेला है और इसी के साथ हाथों में कैच, शानदार सा कैच। चार रनों की जरूरत अगर ये मैच जीतना है एसके 11 को। अगली बॉलर आए हैं मोहम्मद, पहली गेंद वाइट, तीन गेंदे, तीन रन बाकी है अभी भी, तीन रन बाकी जीतने के लिए एसके 11 को। अंपायर का इशारा बोल्ड है, क्लीन बोल्ड हुए, क्लीन बोल्ड। रियान के हर छेद पे बिल्ला भाई की तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि आई है और अकबर भाई एसके की तरफ से भी 100 रुपए की इनामी राशि रियान को और इसी के साथ एक और नो, ये जीतने के लिए सिर्फ एक रनों की जरूरत। अगर छह मारते आरिफ भी तो भी 100 रुपए की इनामी राशि, लेकिन उन्होंने चालाकी की और एक रन लेने में